हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टेक्निकल ज्ञान गणेश दोस्तों एक बार फिर से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपने एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया, 15 दिन हो गया दोस्तों आपके घर पे डाक के द्वारा नहीं आया, तो अब क्या होगा? आप लोग को मन में ख्याल दोस्तों ज़रूर आता होगा, शाम को 15 दिन हो गया अभी तक मेरा एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आया नहीं है घर पर, अब क्या होगा? तो दोस्तों उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, एक भी क्लिप दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, ऐसे में समझ में नहीं आया आपको। चलिए दोस्तों हम वीडियो करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लगे दोस्तों, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा रहा और आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या क्या अप्लाई किए थे, कैसे अप्लाई किए थे कमेंट के, कमेंट के माध्यम से दोस्तों आपको 5 मिनट के अंदर हेल्प किया जाएगा दोस्तों। तो कमेंट करना नहीं भूले और सब्सक्राइब करना भूले, अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों तो हम जो वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चल जाएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप पर डिपेंड करता है जो आप एटीएम कार्ड अप्लाई किए हैं वो क्या चीज़ से अप्लाई किए हैं, बैंक विजिट करके, SBI NO से, टोल फ्री नंबर से, क्या चीज़ से आप ATM अप्लाई किए हैं। तो मेन बात है अगर बैंक जा, कितना आदमी तो उसके बारे में अभी ऑनलाइन के बारे में नहीं मालूम है, बैंक जाके विजिट अगर किए हैं ATM अप्लाई फॉर्म भर के, तो आपने फॉर्म में डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ज़रूर आप डिसमिस कर दिए होंगे, उसमें से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा इसीलिए नहीं आया होगा। दोस्तों अगर आपका ATM कार्ड जब वहाँ से रिन्यूअल हो जाएगा, जनरेट होगा आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, तुरंत आपके मैसेज आ जाएगा ट्रैकिंग ID, वहाँ से आप मैसेज आने के बाद आप वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं से आपका डेबिट कार्ड या ATM कार्ड कहाँ पे है, लेकिन आपने तो फॉर्म रिजेक्ट करवा लिया, सिग्नेचर नहीं मैच हुआ होगा, इसलिए मेन सवाल आता है, मेन प्रॉब्लम होता है सभी को, सिग्नेचर मैच नहीं होता है। अब क्या होता है दोस्तों उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आपने अकाउंट खुलवाए उस समय सिग्नेचर अपना सही से लिखे ऐसे ऐसे मैंने एकदम अच्छा से, और ATM कार्ड जो फॉर्म अप्लाई पर आप सिग्नेचर जाके शॉर्टकट में लिख दिए ऐसे, वो नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों आपका जो है रिजेक्ट हो गया होगा, इसीलिए आपका न मोबाइल पर मैसेज गिरा नहीं 18 दिन 15 दिन 20 दिन हो गया ATM कार्ड नहीं आया। तो फिर से जाना है दोस्तों, अगर SBI NO लोग SBI लॉगिन करके आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपका 15 से 20 दिन में आ जाएगा SBI डेबिट कार्ड आपके घर पे डाक के द्वारा। अगर टोल फ्री भी नंबर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको 15 दिन में घर पे आ जाता है डाक के द्वारा। अगर टोल फ्री नंबर दोस्तों नहीं मालूम है तो कितना है ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं और टोल फ्री नंबर लेके आप ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं जानते हैं टोल फ्री नंबर उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में बना दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपका ATM कार्ड नहीं आया तो लास्ट पोजीशन है, अगर SBI NO चलाते हैं तो उससे अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं चलाते हैं तो छोड़ दीजिए। लास्ट बचा एक और ऑप्शन टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर है एक बार इसी में बोल ही देते हैं 18004258300, एक बार फिर से सुन लीजिए रिपीट कर रहे हैं 18004258300 है कस्टमर केयर नंबर SBI, जो ATM कार्ड आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, 286 रुपया चार्ज कटेगा। अगर बैंक से जाकर आप करते हैं तो बैंक से आपको फ्री हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा अप्लाई, ATM कार्ड आ जाएगा। SBI NO से भी करते हैं तो फ्री में हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ बैंक जाने के लिए अगर आप लोग उस सब के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, बैंक से ही आपके आसपास में बैंक है और बैंक से ही ATM कार्ड अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने एक ATM फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड और खाता के जीरोक्स भी ले, सब के जीरोक्स करा के ATM कार्ड का फॉर्म ऊपर आना चाहिए, तेरे बाद सबको नीचे करके स्टेपलर मार के। और दोस्तों अब फिर से एक बार बोल देते हैं, जो अकाउंट खुलाते समय आप सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर ATM कार्ड फॉर्म अप्लाई पर भी होना चाहिए, और नीचे जो जीरोक्स लगाए हैं उस सारा डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर ही चाहिए। अगर थोड़ा भी डिसमिस हो तो दोस्तों तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा फिर। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे वीडियो के माध्यम से, अगर दोस्तों ATM कार्ड आ जाए उसका पिन बनाने का झंझट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से आप वीडियो को देख के पिन बना सकते हैं। अगर CSP में से मेन ब्रांच में आपको जाना है SBI में तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हूँ ऑलरेडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप
A to Z SBI बैंक के बारे में दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको जो जरूरी होगा फुल वॉच करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करना न भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।